आज की तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का फिलिपियों के नाम खत उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर उसकी 30वीं आयत के आखिर तक यानी बाब के आखिर तक हम तलावत को सुनेंगे और इस तलावत को हमारे लिए सेमिनरी स्टूडेंट भाई शरून इलियास वो करेंगे। फिलिपियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का खत उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर उसकी 30वीं आयत के आखिर तक खुदा के कलाम में से तलावत की जाएगी। आपकी सलामती हो। खुदा के कलाम में से हमारी आज की तलावत खुदा के बंदा पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया फिलिपियों को खत। फिलिपियों खत उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत से 30वीं आयत के आखिर तक हवाला वर्त किया जाएगा। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और ऐ भाइयो मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ, यहाँ तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ, और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज़्यादा जुरत करते हैं। बास तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं, और बास नेक निश्ती से एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मुनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदही के वास्ते मुकर्रर हूँ, मगर दूसरे फ़िरका की वजह से ना के साफ दिली से बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। बस क्या हुआ, सिर्फ ये हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, ख्वा बहाने से खोखा सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूँ और रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और यसु मसीह के रूह के इनाम और इसका अंजाम मेरी निजात होगा। चुनाचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बायस जिस तरह मसीह की तज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, ख्वा मैं जिंदा रहूं, ख्वा मुर्दा ख्वा मरूं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा, लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं, मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातर ज़्यादा ज़रूरी है, और चुनाचे मुझे इसका यकीन है, इसलिए मैं जानता हूं कि जिंदा रहूंगा, बल्कि तुम सब के साथ रहूंगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो, और जो तुम्हें मुझ पर फ़ख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से किसी यस्सु में ज़्यादा हो जाए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि ख्वा मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ, ख्वा ना आऊँ तुम्हारा हाल सुनूँ कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान पहचानी करते हो और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते, ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फ़र्ज़ हुआ
कि ना फक उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम उस तरह जांबशानी करते हो जिस तरह से मुझे करते देखा था और अब भी सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूँ। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन आमीन। मेरे जीजो, आज हम इन तलावत करदा आयात में से तीन अहम बातों पर गौर करेंगे। खुदावंद में रहते हुए हम अपने लिए बहुत सारी चीजों को मांगते हैं, जिसमें हम अपने लिए अच्छे वसाइल, अच्छा कामकाज या नौकरी चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर खुदावंद के लिए कभी हमें मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़े, खुदावंद में रहते हुए खुदावंद के लिए अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ बुरा बर्दाश्त करना पड़े तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करते या नहीं करना चाहते। और वो तवक्कुआत जो हम खुदावंद से रखते हैं, अक्सर जब हमारी दुआ के जवाब आने में देर होती है तो हम जब उन तवक्कुआत को पूरा होता हुआ नहीं देखते तो ऐसे वक्त में बहुत से ईमानदार जो हैं वो साबित कदम नहीं रहते, मुसीबतों का शिकार होकर वो खुदावन से दूर चले जाते हैं। मुकद्दस पालूस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को लिखे गए खत में, हमने इससे पहले के पैगाम में ये सीखा कि इस बाब के अंदर पहली आयत से 11वीं आयत के अंदर मुकद्दस पालूस रसूल की एक बड़ी लंबी और तफसीली दुआ है, और इस वक्त में जिस बात पर हम गौर करेंगे वो ये कि मुकद्दस पालूस रसूल की कैद, उसकी तवक्कुआत और उसकी साबित कदमी खुदावंद के कलाम में जो वो बयान करता है वो हमें क्या सिखाती है। जॉन हेनरी जॉविट जो एक प्रोटेस्टेंट मुबल्लिग था और मुसन्निफ, वो ये बयान करता है कि फिलिपियों के खत का ये हिस्सा जिसे हमने पढ़ा और जिसे हमने सुना, खत के इस हिस्से को बदकिस्मती की खुशबख्ती कहा जा सकता है। किसकी खुशबख्ती? बदकिस्मती की खुशबख्ती। जब कोई बुरा काम हमारी जिंदगी में होता है तो वो बुरा ही होता है, लेकिन जब हम खुदावंद में होते हैं तो कलाम में ये लिखा है कि वो हमारे लिए बुराई में से भी किसको पैदा करता है? भलाई को पैदा कर देता है। और ये खुदावंद ही है जो ऐसा करता है। अगर हम उसके लिए बुरे हालात में से गुजर रहे हैं तो वो हमारे बुरे हालात को हमारी खुशबख्ती बना देता है। और जॉन हेनरी जॉविट इसको बयान करता है कि खत का यह हिस्सा बदकिस्मती की खुशबख्ती का इजहार करता हुआ हमें नजर आता है। हम अपनी जिंदगी में खुदावंद से बहुत सारी तवक्कुआत रखते हैं। मैं और आप इंसान होते हुए हम बहुत सारी दुआएं खुदावंद से मांगते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए हम रोजा रखकर खुदावंद के सामने आते हैं, लेकिन आज हम इस बात को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि अगर वो सब कुछ हमें नहीं मिल रहा, अगर वो सब कुछ जो हम खुदावंद से चाहते हैं हमारे पास मौजूद नहीं होता तो वो किस लिए होता है और खुदावंद उसमें से हमारे लिए किस चीज को पैदा करता है। पालूस रसूल, हमने इस बात को गुज़श्ता पैगाम में सीखा कि पालूस रसूल जब वो रोमा में कैद हैं तो वो इस कैद को बड़ी खुशबख्ती करार देता है, और 12वीं आयत में भी कहता है, ऐ भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ। वो कहता है कि गो के मैं कैद में हूं लेकिन इससे खुशखबरी में तरक्की हुई, और वो तरक्की ये है कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। कैसरी सिपाहियों की पलटन, कैसरी सिपाही ये वो सिपाही थे जो रोम के बादशाह कैसर के महल के अंदर जिम्मेदारियां, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां देते थे। तो पौलुस रसूल ये कहता है कि मेरा कैद होना खुशखबरी के अंदर इजाफे का बायस बना, खुशखबरी जो है उसमें तरक्की हुई, और वो ये कि कैसर के जो सिपाही हैं, रोम का जो बादशाह कैसर है उसके जो सिपाही हैं उनके अंदर, उन लोगों में और उनकी सारी पलटन में ये मशहूर हो गया
कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। अगर पालूस रसूल ये चाहता कि वो कैसर के लोगों तक, उसके महल तक खुशखबरी को पहुंचाए, तो क्या वो खुशखबरी पहुंचा सकता था खुदा के एक बंदा होता हुआ? नहीं, बड़ा मुश्किल था। लेकिन खुदावन जब उसको कैद में लेकर गया तो सिपाही जो बातें आपस में कर रहे थे, सिपाही जो गुफ्तगु आपस में कर रहे थे, उनकी गुफ्तगु का महवर यह था कि मसीह का एक कैदी है जो कैद में है। मसीह का एक कैदी है जो कहां पर है? कैद में है। और इस तरह मसीह का नाम कैसर के महल और उसके दरबार में लिया जाने लगा। और ये वही सिपाही थे जिनकी शायद वक्त के साथ तरक्की होनी थी, और इन्होंने बादशाह के महल और उसके दरबार के अंदर खड़े होना था। और इस तरह मसीह की मुनादी कैसर तक भी पहुंची। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जिंदा वापस जाने से पहले अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब के अंदर ये लिखा है, उसके बिल्कुल आखिरी ईसा में 19वीं और 20वीं आयत में, कि पास तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटे रूल कुदस के नाम से क्या दो, और फिर आगे लिखा कि उन्हें तालीम दो। तो सारी दुनिया में कैसर जो रोमी बादशाह है, जो रोमी हाकम है, वो भी आता है। अब जब कैसर तक ये खुशखबरी पहुंच चुकी कि मसीह का एक कैदी है, तो उसे ये चाहिए था कि वो मसीह के बारे में जानने की कोशिश करता। अब जब मसीह आएगा तो कोई भी शख्स जिसमें वो बड़ा बादशाह भी है, वो ये उजर पेश नहीं कर सकता कि मुझ तक मसीह की मुनादी पहुंची नहीं, खुशखबरी का पैगाम मुझ तक आया ही नहीं, क्योंकि खुदावंद ने अपने बंदा पौलुस को उस कैद में जब भेजा अपनी मर्जी के मुताबिक, तो उसके वसीला से कलाम में लिखा है कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी लोगों में मशहूर हो गया। पौलुस कहता है मशहूर क्या हो गया, कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। किसके वास्ते कैद हूं? ना उसने कोई जुर्म किया, ना कोई वो बुरे काम में मुलव्वस था। एक ही इल्जाम था कि ये मसीह का नाम लेकर मुनादी करता है। तो मसीह की मुनादी, मसीह का नाम कैसर के महल के अंदर पहुंचाने वाला खुदावंद का बंदा है। और एक बहुत बड़ा मुसन्निफ है, वो ये बयान करता है कि ये आयात जो 12वीं आयत से 19वीं आयत है, ये राख से खूबसूरती और अलमिये से फतह मंदी की खबर देती है। ये आयात राख से खूबसूरती, राख स्वा जिसे पंजाबी में कहते हैं, स्वा या राख जो है वो कभी भी खूबसूरती नहीं पैदा कर सकती है, उसको पकड़ें तो आपके हाथ गंदे और काले हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद में हैं, हम राख भी हो जाएं तो ये राख भी खूबसूरती होगी, और अगर गम में हो, दुख में हो, तो हम फतेहमंद होंगे। और पौलुस रसूल ये कहता है कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। ये बात जब कैसर तक पहुंचेगी, उसके सिपाहियों में और उनकी पलटन में मशहूर हुई, तो वो कहता है मैं तो कैद में हूं, लेकिन मसीह का कलाम कैद में नहीं, वो कैसर तक भी पहुंचा। और 14वीं आयत में लिखा है, और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जुरत करते हैं। जब खुदा का ये बंदा कैद में है, तो दूसरे भाई, दूसरे ईमानदार जो बाहर हैं, कैद में नहीं बाहर हैं, वो ज्यादा जुरत के साथ कलाम सुनाते हैं कि क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कैद हो जाएगी। पौलुस वहां पर भी खुदा का काम कर रहा है। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, अगर मसीह में रहते हुए, एक ईमानदार होते हुए हमारी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां और दुख हैं, तो याद रखें कि खुदावंद दुखों से और अलमिये से हमारी जिंदगी में फतह मंदी को पैदा करता है। अगर हम इस दुनिया में कुछ नहीं है, हम खाक और राख हैं, तो खुदावंद हमारी खूबसूरती दुनिया में जाहिर करेगा। और कब जाहिर करेगा? जब हम उसके लिए और उसके नाम को जलाल देने के लिए कुछ करते हैं। पौलुस रसूल के कैद में जाने से जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो रसूल, जो खुदावंद के खादमीन बाहर काम कर रहे हैं दुनिया में, वो भी दलेर और बेखौफ है। अक्सर हम ये समझते हैं मेरी मुसीबत है, किसी को इससे क्या, लेकिन मेरे अज़ीज़ो, आज जिन मुसीबतों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं मसीह के लिए, आज जिन परेशानियों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं मसीह के लिए, ये परेशानियां ही आगे चलकर आइंदा आने वाले दिनों में हमारी ये खूबसूरत गवाही बन जाएंगी कि जब हम भी मसीह में रहे, जब वो जिंदगी मसीह में रही, तो मसीह ने उन्हें परेशानियों में रहने नहीं दिया। लेकिन होता क्या है, मुसीबत आती है
और हम खुदावंद को छोड़ जाते हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी दूसरों के लिए गवाही का बायस नहीं बनती। पालूस रसूल जब कैद में है तो वो तारीफ करता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसकी इस परेशानी को देखकर उनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, बहुत ज्यादा हौसला आ गया और वो मसीह की मुनादी और नडार होकर कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, 15वीं आयत में लिखा है कि वो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं और बाज नेक नियति से। आज जब बहुत से लोग, आज ये आयत हमारे बारे में भी बयान करती है कि जब कोई मसीह में होते हुए दुख बर्दाश्त करता है तो वो कहता है तो मैं मसीह का बंधू, खुदा मेरे नाल इंज क्यों होंडया, मैं ही रह गया सेना मुसीबत नहीं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं और हमने बहुत से लोगों को ऐसे कहते हुए सुना कि क्या इन सारी परेशानियों के लिए मैं था, ऐ खुदावंद तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे अज़ीज़ो, हम खुदा पर इल्ज़ाम तो लगा देते हैं लेकिन हम खुदा को देते क्या है। रोमियों के खत में लिखा है कि किसने खुदा को कुछ दिया, किसी ने खुदा को कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, खुदा उसको बदला दे। हम खुदा को देते क्या है। हमारी तो दुआएं भी ऐसी हैं कि ऐ खुदावंद हम गंदे और गुनौने दिल लेकर आए हैं, हम तो अपनी ऐसी चीजें उसको देते हैं, तो जब ऐसी देते हैं तो फिर हम गिला या शिकवा क्यों करते हैं। क्योंकि जो तवक्कुआत हम उससे रखते हैं, हमें जो बहुत अरसे तक जो कलाम सुनाया गया वो कलाम खुशहाली की मुनादी का कलाम था। आप चर्च में आएंगे आपको पैसे मिल जाएंगे, आप चर्च में आएंगे आपके घर बन जाएंगे, आप चर्च में आएंगे आपको ये मिल जाएगा, बेशक ऐसा होता है। लेकिन उसके साथ साथ इस प्रॉस्पेरिटी की मुनादी, इस खुशखबरी की मुनादी के साथ जो खुशहाली की अंजील सुनाई गई, उसके साथ ये कम बताया गया कि जो मसीह में है उनको दुख भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मसीह यीशु ने कहा, योना की अंजील में लिखा है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, कलाम में क्या लिखा है, क्या आप उसको पानी देता रहता है, लिखा है कि वो उसको काटता और उसको छांटता है। और कलाम में लिखा है ये काटता और छांटता जो है वो इसलिए ताकि वो और ज्यादा फल है। ये जो छांटना जो है, इसको जो लफ्ज है वो अंग्रेजी का लफ्ज है प्रूनिंग, इसलिए उसकी काट छांट की जाती है ताकि वो और ज्यादा फल आए। तो मसीह में रहते हुए बेशक हमारे लिए बहुत सारी बरकतें हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो तवक्कुआत हम उससे लगा कर बैठे हैं, हमें इस बात को याद भी रखना है कि हमें दुखों और परेशानियों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अक्सर ये सिखाया नहीं जाता, अक्सर ये बताया नहीं जाता, ये कहा जाता है चर्च में हदिया दें, 10 रुपए देंगे तो 20 रुपए मिलेंगे, 100 रुपया देंगे तो 200 रुपया मिलेगा। लेकिन कई दफा ऐसा नहीं भी होता, और इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद हमसे प्यार नहीं करता। खुदावंद हमारी ईमान को बढ़ाना चाहता है, खुदावंद हमें बरकत देना चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है। और खुदावंद में रहते हुए मुसीबतें और परेशानियां आना भी जरूरी हैं। अगर परेशानियां ना आए तो फिर ये समझा जाता है कि फिर इसका मतलब ये है कि हम इब्लीस की तरफ है, क्योंकि ये परेशानियां ईमानदार की जिंदगी में इब्लीस लेकर आता है। अय्यूब के वाकया में हम देखते हैं कि इब्लीस ने खुदा से इजाजत मांगी। तो अगर हम मसीह में हैं, खुदा में हैं, मुसीबतें हैं और हमने इनकी तवक्कुआत नहीं रखी, तो इस साल में आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे जीजो, हमें मसीह में रहते हुए बहुत सी मुसीबतें भी बर्दाश्त करना पड़ेंगी, लेकिन अगर हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम उस वक्त में से गुजर जाएंगे, तो इससे हमारी एक अच्छी गवाही जो है वो कायम होगी। पालूस कहता है कि मेरे मुसीबत में जाने से, कैद में जाने से, मैं मसीह का कैदी बनने से ये समझता हूँ कि मेरे वसीला से कलाम कैसर के महल तक पहुँचा, जो रोम का बादशाह था उस तक पहुँचा, उसके सिपाहियों में पहुंचा, उसकी पलटन में पहुंचा। और वो ये कहता है कि मेरे कैद में जाने से मसीह की मुनादी जो है वो बेहतर अंदाज में हुई। आज से चंद साल पहले मुझे वो वक्त भी याद है कि जब हम इबादत किया करते थे पुरानी बिल्डिंग में, तो इबादत करते हुए कई दफा जब सुबह मैं इबादत के लिए आता, बच्चे बड़ा जगह को साफ करते, तो जानवरों की गलाजत चर्च के दरवाजे के पास और अक्सर जहां से मैंने गुजरना होता था वहां पर होता था। ये परेशानियां, आप सब भी इन बातों से वाकिफ है, मैं भी, जब हमने मसीह में रहते हुए उन बातों को बर्दाश्त किया तो आज हम एक खूबसूरत जगह पर बैठे हैं। और ये क्यों है, क्योंकि हमने इन चीजों को बर्दाश्त किया। लेकिन अगर हम उस वक्त ही कहते हमने नहीं आना, पादरी साहब कहते जी मैं नहीं गिरजा करवाना, यहां पर तो परेशानियां ही बहुत है, मसले मसाइल ही बहुत है, तो होना क्या था कि शायद दोबारा से वो जगह, वो चर्च बिल्डिंग जो है वो बंद हो जाती। आज
अगर वो जगह बंद हुई तो खुदावन ने एक नई जगह, खूबसूरत जगह दे दी, उसके मुतबादल खुदावन ने एक अच्छी बरकत हमें दी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने मिलकर मुसीबतें बर्दाश्त की और खुदावन के नाम को जलाल मिला। आज ये सब बातें जब मैं दूसरे खातमीन को बताता हूँ कि परेशान ना हो, चंद साल होंगे खुदावन जो उसकी इबादत करते हैं, खुदावन जो जो उम्मीद खुदावन पर रखते हैं, खुदावन उनकी उम्मीदों को कभी भी उनके हाथों को खाली नहीं लौटाता बल्कि बरकत देता है। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोती से रहो तो वो वक्त पर तुम्हें क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। अक्सर हम फरोतनी से रहना नहीं चाहते, हम पंजाबी से कहने छोड़े पै जाने, जल्दबाज बन जाते हैं, सब कुछ आज ही मिल जाए, एक साल में मेरे लिए सब कुछ हो जाए, मेरे लिए चंद महीनों में, चंद हफ्तों में सब कुछ हो जाए। लेकिन मेरे जीजो, अगर कोई मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसके लिए हमेशा की जिंदगी का ताज भी नहीं। और मुकाशवा की किताब में बड़ी खूबसूरत आयत हम पढ़ते हैं कि जान देने तक वफादार है। कौन सी वफादारी है? जान देने तक। ये मसीह की मोहब्बत में ये रहते हुए तो बर्दाश्त करना पड़ेगा कि मरने तक वफादारी खुदा के साथ, बंदों के साथ नहीं, खुदा के साथ वफादार रहे। तो कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का क्या दूंगा? ताज दूंगा। और ये ताज बादशाहत की अलामत है। पौलुस रसूल ने ये सब चीजें बर्दाश्त की और वही कहता है कि मेरे कैद में जाने से बहुत से लोग जो है वो झगड़ा करने वाले लोग भी मसीह की मुनादी करते थे। और वही कहता है कि बाज अच्छी नीयत से मुनादी कर रहे हैं, बाज बुरी नीयत से। ये अच्छी नीयत और बुरी नीयत वाले लोग दुनिया में शुरू से मौजूद हैं, आज भी हैं, और जब तक ये दुनिया कायम है और खुदा के लोग ईमानदार यहाँ पर मौजूद है, ये दो फिरके, ये दो ग्रोह दुनिया में मौजूद रहेंगे। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं खुश हूँ कि जैसे भी हो मसीह की मुनादी हो रही है, ख्वाब बहाने से हो। कलाम में लिखा है 19वीं आयत में, 18वीं आयत के आखिरी हिस्सा में खुदा का बंदा कहता है कि मसीह की मुनादी होती है, ख्वाब बहाने से हो, ख्वाब सच्चाई से। और इससे मैं खुश हूँ और रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से उसका अंजाम मेरी निजात होगा। अगर हमारी जिंदगी में दुख आ रहे हैं और हम दुखों को बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर ये एक बहाने से मैं समझता हूँ कि खुदा की मुनादी हो रही है। अगर कोई खादम मसीह का नाम सुनाते हुए दुख बर्दाश्त कर रहा है तो याद रखे कि उसके दुख दूसरों के लिए तकवीयत का बायस होंगे, उसके दुख आइंदा अयाम में दूसरों के लिए एक अच्छी गवाही बन जाएंगे। और पौलुस कहता है कि जो भी हो इसका अंजाम निजात ही होगा, इसका इनाम और उसका अंजाम जो है वो निजात है। मसीह के लिए दुख बर्दाश्त करना, जब हम इन दुखों को बर्दाश्त करते हैं तो खुदावन राख से खूबसूरती और अलमिये से हमारे लिए फतामंदी को पैदा करता है। खुदावन के कलाम में जब हम आगे बढ़ते हैं 20वीं आयत से 30वीं आयत तक, तो ये हिस्सा एक खूबसूरत ख्याल हमारे सामने रखता है और वो ये कि दुख और मसीह की ताजीम। दुख और किसकी ताजीम? लफ्ज ताजीम जो है ये अजीम लफ्ज से निकला है, अजीम का मतलब होता है बड़ा। तो जब हम दुख बर्दाश्त करते हैं तो मसीह की ताजीम होती है, यानी उसका नाम बड़ा होता है। इसका अर्गीज़ मतलब नहीं कि दुखों से ही मसीह का नाम बड़ा होता है, मसीह का नाम है ही बड़ा, हम उसके नाम को बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जिंदगी को देखकर जब लोग कहते हैं कितना अच्छा ईमानदार है, इसने बड़े दुख बर्दाश्त किए, मसीह में रहते हुए दुआ में लगा रहा, खुदावंद के साथ चलता रहा, आज खुदावंद इससे कितना सरबुलंद किया, तो फिर इससे मसीह के नाम को जलाल मिलता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हमारा दुखों में से गुजारना खुदावंद हमें पसंद करता कि ये दुख बर्दाश्त करें। लेकिन जो अहम ख्याल और अहम बात यह है कि जब तक हम दुख में से नहीं गुजरते, हमारी जिंदगी में उसका नाम जलाल नहीं पाता, हमारी जिंदगी से उसके नाम की गवाही कायम नहीं होती। खुशियों में तो सारे ही यीशु यीशु कहते रहते हैं, उसका नाम लेते रहते हैं, खुदा खुदा कहते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं। पता तब चलता है जब जिंदगी में दुख आते हैं। और खुदावंद का बंदा ये कहता है, चुनाचे मेरी दिली आरजू, 20वीं आयत, चुनाचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं। वो क्या कहता है? मैं किसी बात में क्या ना हूं? शर्मिंदा ना हूं, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताजीम, यानी उसका नाम बड़ा होता है, वो कहता है जिस तरह मसीह की ताजीम मेरे बदन से, यानी मैं जब जिंदा हूं तब मसीह का नाम मेरे बदन से तरक्की पाता है और उसके नाम को जलाल मिलता है, उसका नाम बड़ा होता है। खुदा उनका बंदा कहता है, बदन के सबब से हमेशा होती रही, उसी तरह अब भी होगी,
खा मैं जिंदा रहूं खा मरूं, वो कहता है खा मैं जिंदा रहूं खा मैं मरूं, मसीह की ताजी हमेशा मेरी जिंदगी से होती रहेगी। और मेरे जीजो, दुखों में से गुजरे बगैर उसके नाम को जलाल नहीं मिल सकता। मसीह यसू जो हमारा निजात देता है, कलाम में लिखा है कि उसने दुख सह सह कर फरमा बरदारी सीखी। दुख सह सह कर क्या सीखी? फरमा बरदारी सीखी। और ये उसने सिर्फ सीखी नहीं बल्कि उसके दुखों को देखकर हम भी फरमा बरदारी सीखते हैं। और कलाम में लिखा है कि तब खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से क्या है, आला है। ताजीम का मतलब है मसीह को अजीम बनाना, मसीह की ताजीम होना यानी मसीह को अजीम बनाना। वो तो अजीम है और पहले से ही है, लेकिन जब हमारे दुखों में हम कहते हैं अय्यूब की तरह कि खुदावन ने दिया खुदावन ने ले लिया उसका नाम मुबारक हो, तो मसीह की ताजीम होती है। जब हमारी कमियों में भी हम कहते हैं खुदावन का शुक्र हो, तो फिर मसीह की ताजीम होती है। और एक खूबसूरत मुसन्निफ ये बयान करता है कि वो होंठ जो उसके मुबारक नाम की गवाही देते हैं उससे उसके नाम की ताजीम होती है, वो हाथ जो उसके खिदमत के कामों में बढ़ते हैं उससे उसके नाम की ताजीम होती है, वो पांव जो उसकी खुशखबरी के लिए चलते हैं उसके घर की जानिब जाते हैं उन पांव से खुदावंद के नाम की ताजीम होती है, वो घुटने जो उसकी बादशाही का इकरार करने के लिए झुकते हैं उससे उसके नाम की ताजीम होती है, और वो कंधे जो खुशी से दूसरों का दूसरे ईमानदारों का बोझ उठाने के लिए बढ़ते हैं उन कंधों से खुदावंद के नाम की ताजीम होती है, और वो जगह जहां पर ईमानदार रहते हैं जब वहां पर खुदावंद का नाम लिया जाता है तो उससे खुदावंद की ताजीम होती है। सिर्फ दुखों में गुजर कर ही हम खुदावंद के नाम को बड़ा नहीं कर सकते, बल्कि हमारी जिंदगी का हर एक काम जो हम उसकी खिदमत के लिए सरंजाम देते हैं उससे उसके नाम की ताजीम होती है। मुकद्दस पालूस ये कहते हैं खा मैं जिंदा रहूं खा मैं मरूं, मेरा जिंदा रहना, जिंदा रहने मेरे लिए मसीह और मरना क्या है, नफा। जिंदा रहना मेरे लिए क्या है, मसीह है, और वो कहते हैं कि मरना मेरे लिए नफा है। जिंदा रहना मसीह है। मैं ये समझता हूं कि कलाम के मुताबिक जब हम जिंदा हैं तो हमारी जिंदगी में हम बहुत सारी बरकतें पाते हैं, जैसे अभी हमने सुना बादशाही के लिए हम घुटनों को उसके हुजूर में झुकाते हैं, हाथ उसके काम के लिए बढ़ते हैं, पांव उसकी खुशखबरी के लिए जाते हैं, या दीगर तमाम काम जो हम अपनी जिंदगी में रहते हुए सर अंजाम देते हैं, इससे तो खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। खुदावंद में रहते हुए हम साहबे औलाद हैं, हम अच्छे बरसे रोजगार हैं, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, इससे उसके नाम को जलाल मिलता है। लेकिन मर कर कैसे खुदावंद के नाम को जलाल मिल सकता है? जब इंसान मर जाता है खाक खाक मट्टी मट्टी में चली जाती है, फिर कैसे नाम को जलाल मिलता है? तब नाम को उस वक्त जलाल मिलता है जब लोग ये कहते हैं कि ये शख्स एक रासबाज शख्स था। और मेरे जीजो, मरने के बाद सबसे ज्यादा झूठ जो है किसी इंसान के मरने के बाद उसकी शुक्रगुजारी की या मेमोरियल सर्विस की बात में बोले जाते हैं, और वो बातें जो शायद उसने जिंदगी में कभी की नहीं होती हम वो बातें भी सुनते हैं। बहुत से लोग ऐसे वक्त में झूठी बातों को कहते हैं और इससे मसीह के नाम को जलाल नहीं मिलता। ना उसका मरना नफा का बायस है, नफा का बायस या मरकर मसीह के नाम को तब जलाल मिलता है जब लोग इस बात की गवाही देते हैं कि सारी जिंदगी ये ईमान पर कायम रहा, कलीसिया में ईमानदारों में उसकी अच्छी गवाही होती है। और मरना नफा का बायस इसलिए भी है क्योंकि जब हम मर जाते हैं मसीह में होते हुए तो हमारे लिए आसमान पर अच्छी जगह का वादा किया गया है, हम मरकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मरना इसलिए भी नफा का बायस है, और ये नफा मरना उनके लिए है जिनकी जिंदगी भी मसीह के नाम को जलाल देने के लिए गुजरी। पालूस रसूल ऐसा क्यों कहता है? तीन दफा उसे मसीह के लिए कैद बर्दाश्त करना पड़ी, बड़े बड़े बुरे हालात में से उसे गुजरना पड़ा। एक दफा तो लोगों ने उसे इस तरह इतना मारा कि वो लगा कि वो मर गया है, लेकिन फिर खुदा ने उसे उठा खड़ा किया। अपनी जिंदगी में वो खुदा की खिदमत करता रहा, सारी जिंदगी वो मैदा की तकलीफ में मुबतला रहा। उसका कद छोटा था, उसके घुटने सही तौर पर काम नहीं करते थे, लेकिन वो सारी चीजों में भी फिर भी कह रहा है कि मेरे जिंदा रहने से मसीह के नाम को क्या मिल रहा है, जलाल मिल रहा है। और वो कहता है जिंदा रहना मेरा किसके लिए है, मसीह के लिए। अगर हमारे जिस्म में कभी दर्द हो और इतवार का दिन आ जाए तो हम घर पर सोए रहते हैं। आप अंदाजा करें कि एक शख्स जो सारी जिंदगी मैदा की तकलीफ में मुबतला रहा,
वो खुदा के काम के लिए सफर भी करता रहा, उसने अपने घर बार को छोड़ दिया, किस तरह उसके बदन से खुदावन के नाम को जलाल मिल रहा है, और फिर वो ये कहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना क्या है मेरे लिए नफा। और 22वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। वो कहता है दिल मेरा चाहता है 23वीं आयत में कि मैं दोनों तरफ फंसाऊं। वो ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज्यादा जरूरी है। वो ये कहता है कि अगर मैं मर गया उसका एक ही मुझे नुकसान होगा कि मैं कलाम नहीं सुना सकूंगा, मरना वो कहता है नफा का बायस है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं जिंदा रहूं क्योंकि ये तुम्हारे लिए जरूरी है, कलीसिया के लिए जरूरी है जिनमें वो काम कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि जब मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगा ताकि ईमान में तुम तरक्की कर सको और उसमें खुश रहो, और जो तुम्हें मुझ पर फख्र है वो फिर तुम्हारे पास आने में मसीह में और ज्यादा हो जाए। वो कहता है अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूं तो इसलिए ताकि खुदा के कलाम के अंदर मैं उसको और ज्यादा बढ़ा सकूं, उसमें अफजाइश कर सकूं। मेरे जीजो, आज हम खुदावन से अपने लिए जिंदगी तो मांगते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं मैं उनको जानता हूं कि वो मरने के करीब थे हमारे जानने वालों में, और एक नौजवान था उसका एक्सीडेंट हुआ और दुआओं से वो वापस आ गया, बिल्कुल वो कोमा में चला गया था, और जब वो वापस आया तो उसकी ज़िंदगी इस कदर ज़्यादा बुरी होगी कि उसके वालदैन ने कहना शुरू कर दिया इतना चंगा होना तो उदो ही मर जाता। मेरे जीजो, अगर एक ईमानदार होते हुए हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि हमारी ज़िंदगी दूसरों के लिए परेशानी का बायस है तो फिर हम मसीह के लिए नहीं जी रहे। पालूस रसूल ये कहते हैं आगे 27वीं आयत में, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि ख्वाह मैं आऊं तुम्हें देखूं ख्वाह ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो और इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जा फिशानी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जा फिशानी, लफ्ज जा फिशानी का मतलब है कि जान देने तक उसके कलाम पर कायम रहना। कितना कलाम पर हम कायम रहते हैं? यहां पर थोड़ा सा कोरोना वायरस आया, वबा आई, बहुत से लोगों ने ऐसे चर्चेस को चुन लिया जहां से राशन मिल रहा था, जिधर से नहीं मिल रहा वो चर्च ही छोड़ दिया। मेरे चीजों, क्या ये दुनियावी चीजें, बेशक ये हमारी जिंदगी की जरूरत है, खानदान की जरूरत है, लेकिन कलाम हम उसको कितनी अहमियत देते हैं? क्या हमने चर्चेस को, कलीसियाओं को और ऐसी जगहों को चुन लिया है जहां पर हमें कुछ फायदा मिलता है और जहां पर कलाम नहीं, जहां पर शायद बुतपरस्ती है, जहां पर खुदा के कलाम से हटकर बातें होती हैं? कलाम में लिखा है, पालूस कहता है कि तुम अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जाफिशानी करो, यानी जान देने तक भी वफादार रहो। कितना हम उसके काम के लिए वफादारी करते हैं? अक्सर हम ये समझते हैं मैं सर्दी में उठकर आया, मैंने गर्मी में चर्च में बैठकर इबादत की, ये मैंने बड़ी परेशानी बर्दाश्त कर ली, लेकिन खुदावंद इससे भी बढ़कर ईमान हमारी जिंदगी देखना चाहता, इससे भी बढ़कर वफादारी देखना चाहता है, और वो ये कि हम मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं या नहीं। हमारे जो पैगाम का उनवान था वो ये कि ईमानदार की मुसीबतें उसकी खुदा से तवक्कुआत और उसकी साबित कदमी। मुसीबतों में रहें लेकिन साबित कदम रहें, और वो तवक्कुआत जो आपने खुदावंद से वाबस्ता कर रखी हैं उन तवक्कुआत से जरा आगे बढ़कर सोचें। हमने सिर्फ उसे सिर्फ मोजे ही लेने हैं? हमने सिर्फ सिर की पीड़ी ठीक करवानी है, घुटने की दर्द ठीक करवानी है, या आसमान की बादशाही में भी जाना है? ये तवक्कुआत जो हमने सिर्फ दुनियावी या वक्ती तवक्कुआत उससे वाबस्ता कर रखी हैं, खुदावंद उससे भी बढ़कर हमें बरकत देना चाहता है, और वो ये कि हमारा मरना भी नफा का बायस हो। अगर कोई शख्स हमारी आखिरी आरामगाह पर हमारे मरने के बाद आए, हमारे नाम को पढ़कर कहे ये बड़ा अच्छा ईमानदार था, ऐसे बहुत से लोग हैं जब लोग कब्रिस्तान में जाते हैं तो वो उनकी कब्रों पर जाकर ऐसी बातें करते हैं, वेखिया ना पिया इन्हें भी दुनिया को जीण नहीं सी देता। क्या ये मरना नफा का बायस है? नहीं। पालूस कहता है कि एक जान होकर जाफिशानी करते रहो और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते, ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है लेकिन तुम्हारी जात का, और ये खुदा की तरफ से है क्योंकि मसीह की खातर तुम पर फजल हुआ है। मसीह की खातर क्या हुआ है तुम पर? अगर उसके लिए परेशानियां बर्दाश्त कर रहे हैं तो हमने पिछले एतवार भी सीखा कि हम सब ईमानदार होते हुए
फजल में शरीक है, फजल में हमारी शराकत है। अगर मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं तो परेशान ना हो, उसका फजल भी है और वो आएगा और वो हमारी मुसीबतों को खत्म करेगा। खुदा उनका बंदा कहता है, मसीह की खातर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातर दुख भी सहो, और तुम इस तरह जाफिशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूं। पालूस रसूल इस खत के इस बाब के आखिर में अपनी मिसाल देते हैं कि तुमने मुझे सुना भी और तुमने मुझे जाना भी और देखा भी कि मैं भी जान देने तक ऐसा ही उसके साथ वफादार हूं। और खुदा उनके बंदा ने कहा कि ईमान लाओ और उसकी खातर दुख सहो। ईमान लाओ और क्या करो? दुख सहो। सब बोले क्या करो? दुख सहो। ईमान लाओ और दुख सहो। जब हम ईमान लाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हुण ते सत्ते ही खैरा ने, हुण मैनूं कुछ नहीं होना। अगर हल्का सा बुखार भी हो जाए तो हम सोच में पड़ जाते हैं, खुदावन मैं तो बपतिस्मा ले लिया था, मैं तो ईमान लिया था, हुण फिर बुखार हो गया। मेरे अज़ीज़ो, ये जिस्म जो है इसमें कमजोरियां आना ये हमारी इंसानी फितरत की अलामत है। अगर हम आसमान की बात में चलेंगे वहां पर अब कुछ नहीं होगा। जब तक जिस्म में है ये दुख, ये परेशानियां, ये मसाइल हमारे साथ चलते रहेंगे। लेकिन कलाम ये कहता है कि हमें खुदावंद में रहते हुए जान फिशानी करनी है, जान देने तक भी हमने उसी में कायम रहना है। तभी जो तवक्कुआत हम उससे वाबस्ता किए हुए हैं वो तवक्कुआत हमारी जिंदगी में पूरी होंगी। और अगर ना भी होंगी तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, क्या मैं खुदा के आस से सुख पाऊं और दुख ना पाऊं। इन सब चीजों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि हमें खुदावंद में रहते हुए साबित कदम रहना है। साबित कदम का मतलब ये है कि कदम राह पर चलते हुए डगमगाए नहीं, ये ना सोचे हाय अब खुदावंद में आगे मुसीबतें आ गई अब किसी और रास्ते की तरफ चल दे, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ फिर परेशानी आई इधर आ जाए। अगर साबित कदम रहेंगे तो फिर साबित कदमी इस बात का इजहार करेगी कि हम उस में रहते हुए जान देने तक भी वफादार हैं। मुकद्दस पालूस इस खत में और इस खत के इस हिस्सा में मुसीबतों, तवक्कुआत और साबित कदमी की बात करते हैं। आज अगर आप मुसीबतों में से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि मुसीबतों में साबित कदम रहें। अगर आप साबित कदम रहेंगे, आपके कदम जमे रहेंगे, तो वो तवक्कुआत जो खुदावन का कलाम हमें देता है कि खुदावन में रहते हुए जो बरकात का वादा हमारे लिए है, अगर हम साबित कदम रहेंगे तो वो तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी पूरी होंगी। आज इस पैगाम के आखिरी हिस्सा में आपसे कहना चाहूँगा कि कौन है जो परेशानियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। हर इंसान जो इस दुनिया में आया, कलाम में लिखा है कि इंसान जो थोड़े दिनों का है वो दुख से भरा हुआ है। इंसान थोड़े दिनों का किससे भरा हुआ है? दुख से भरा हुआ है। दुख उससे अलहदा नहीं हो सकते। पालूस ये कहता है कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूँ। ये मारना और कूटना या हमारी ज़िंदगी में दुख आना, ये हमारी ईमान को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। अगर किसी ज़िंदगी में दुख नहीं, परेशानी नहीं, इसका मतलब ये है कि वो खुदा की तरफ नहीं बल्कि वो इब्लीस की तरफ है। इब्लीस उससे बड़ा खुश है। अगर दुख आते हैं तो इसका मतलब ये है कि दुखों में हमें साबित कदम रहना है। साबित कदम रहेंगे तो वो ईमान जो हम खुदा पर रखते हैं, वो सब कुछ हम खुदा से मांग रहे हैं, वो सब कुछ हमें मिलेगा। अगर दुख नहीं तो ईमान नहीं, ईमान नहीं तो बरकत नहीं। खुदावंद आज हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे और दुखों में, मुसीबतों में खुदावंद हमें साबित कदम रहने की तौफीक बख्शे, और वो तौक्वात जो हम खुदावंद से वाबस्ता रखते हैं वो खुदावंद अपने वक्त पर पूरा करे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे।